हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आपका दोस्त सुरजीत भी बहुत बढ़िया। गाइस, काफ़ी टाइम बाद आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। और आज है दिवाली, तो सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए हैप्पी दिवाली मेरी और मेरे परिवार की तरफ से। आप सभी के परिवार को और आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है गाइस, आज मैं जा रहा हूँ बैजरो और बैजरो मेरे को कुछ दिवाली का सामान लेना है। तो अभी मैं हूँ अपने गांव के रोड से थोड़ा सा नीचे आया हूँ। और गाइस, यहाँ पे मेरे को पता है सबसे अच्छी चीज़ आज देखने को क्या मिली? कि मैं आ रहा था तो पहले पता क्या होता था कि यहाँ पे हम लोग बैठते थे तो हमें पहले नीचे बैठना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे लगे हुए हैं बैठने के लिए, सीटें तैयार हैं। किसकी तरफ से है आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख पा रहे होंगे सौजन्य से श्रीमती शांति देवी, ठीक है, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत पौड़ी। ये सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है कि रोडों पे ऐसे बन चुके हैं जो कि कोई भी व्यक्ति अगर रोड से इधर उधर जाता है तो उसे बैठने की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जिलाध्यक्ष द्वारा लगाए गए हैं। तो सबसे पहले उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आज मैं जा रहा हूँ बैजरो, तो चलिए भाई अभी तो कुछ आ तो रहा नहीं है, टैक्सी वैक्सी देखते हैं किस तरीके से जाना पड़ेगा, पैदल जाते हैं या फिर टैक्सी में। चलो मैं आपके साथ, आपका पहाड़ी दोस्त सुरजीत। ठीक है, ला 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 ला। भाई रोड पर टैक्सी तो मिल नहीं रही, ठीक है, यही कुछ देखने को मिल रहा है। कुछ वो नहीं है भाई, कब काट के निकल जाए कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ कनेरा में, कनेरा उधर है मार्केट। हाय हाय, बड़े टाइम बाद आज कनेरा मार्केट घूम रहा हूँ। ऊपर से धूप भी लगी हुई है, ठंड का मौसम है तो भाई अच्छा लग ही रहा है। चलते रहिए आगे, क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, और जो दिवाली का ब्लॉग रहेगा दोस्तों, उसे मैं आज रात को तो रिकॉर्ड करूँगा लेकिन अपडेट एक या दो दिन में कर दूँगा। ठीक है, तो डेफिनेटली वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले। ये मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों कनेरा मार्केट में। कनेरा कितना बदल चुका है ना, आप देखिए पहले ना ये सारे घर नहीं थे, जो ये दिख रहा है ये वाला, वो वाला पीला वाला, ठीक है, तो ये सब पहले थे नहीं, अब बन चुके हैं। आज तो किस्मत इन खराब ची की कोई गाड़ी नहीं आनी, ना टैक्सी आनी ना बस आनी। पैदल चलो भाई, करना भी क्या है, ठीक है, कर भी क्या सकते हैं हम पैदल जाने के अलावा। देख रहे हो आजकल कैसा हो रखा है उत्तराखंड। हाय, बैजरो पहुंचने वाला हूँ मैं, मेरा बैजरो मार्केट। ठीक है, पर ये क्या है, ऊपर चल के देखना पड़ेगा ये है क्या बना हुआ, यहाँ से कुछ पढ़ा जा सकता है? डेफिनेटली कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर ऊपर जाके देखते हैं क्या है। और ये कौन है, कहाँ गया? अच्छा भाई, तो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, चलो ऊपर जाके देखते हैं क्या। ला 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 ला। हाय, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग गाइस, पता नहीं किसने बनाया होगा, ये बनाया बहुत कुछ, वाओ। तो यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सियाँ भी लगाई गई है, ठीक है,
मेरे ख्याल से पता है क्यों बना है? आई थिंक बैजरो ए टूरिस्ट प्लेस, एंड जो कोई भी यहाँ पे आना चाहता है वो यहाँ से बैजरो के शानदार दृश्य देख सकता है। आई थिंक ये इसलिए बनाया गया। बनाया क्यों है कुछ लिखा तो नहीं है। हाय इधर से भी भाई कुछ ऐसा है ये पूरा माहौल। और एक यहाँ से भाई बकरियाँ वाले भी आ रहे हैं चराने, अपने गाय बकरियाँ चराओ और यहाँ पे बैठ के फ़ोटो वोटो खिंचाओ, ठीक है? यहाँ पे बैठ के आप लोग फ़ोटो वोटो जो कुछ भी करना हो यहाँ पे कर सकते हो आराम से। समय बिताने के लिए आप काफ़ी अच्छा है, सबसे अच्छी चीज़ नियर बाई बैजरो। और यहाँ से नदी के जो दृश्य दिखाई देते हैं ना, वाकई में प्रकृति के साथ रहकर आप इन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं। चलिए हमें बैजरो का व्यू भी तो देखना है अभी, ठीक है? इस पे ऊपर लिखा हुआ है ग्राम मटेला व्यू पॉइंट। अच्छा, सौजन्य से शांति देवी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बनाया था ये, काफ़ी अच्छा है। अच्छा नीचे भी है एक, यहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं व्यू देखने के लिए। ये पूरा यहाँ से है व्यू पॉइंट, ये रहा कुछ ऐसा दिखता है। यहीं से बैंकों के लिए रास्ता भी जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। ली जा भाई दबे, ठीक मिलना चाहिए डिस्काउंट दे दे पूरा। अबे लोगों में पड़ गया तभी तो हमको भी कहना चाहिए। तुम खुद डेटा पका छी डेटा पका छी छते ठीक बानी एक है एक ले लूला ये का फोन करा दी डबे छी। हां हां कह रहा मिल फोन दोस्तों। ये है बैजरो मार्केट, आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन बाजार में रौनक आपको हर साल की तरह यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दिवाली का सीजन है तो यहाँ पे जो भी लोग आए हैं आज दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं।